पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आरक्षण में क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आज पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें, कई दलित समुदायों द्वारा आज देश भर में बंद का आह्वान किया गया है और तमाम पार्टियां विपक्ष की इस बंद को अपना समर्थन देती भी नजर आ रही हैं। कई पार्टियां जो हैं वो इस भारत बंद के आह्वान को अपना समर्थन दे रही है। बात अगर बिहार की करें तो भारत बंद का असर पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना में भी सुबह से ही जमकर बवाल शुरू हो गया है। सुबह से ही लगातार बंद करने के बाद पूरे बिहार जो बसपा पार्टी के कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर झंडे लेकर निकले हुए थे, सड़कों पर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेकर निकले हुए थे और लगातार पटना की सड़कों पर सुबह से ही बवाल जारी है। आपको बता दें कि इस बवाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में क्या कुछ कह रहे थे प्रदर्शनकारी, उनका बयान सुने। सड़क पर क्रिमिनलियर जो SC ST के विरुद्ध लाया गया है उसको रद्द कराने के लिए हम लोग उतरे हैं। जो BJP सरकार है बड़का झूठा पार्टी है, जो SC ST और OBC के लिए एकदम बड़का खतरनाक वायरस है, इसको हम लोग को जड़ से साफ करना पड़ेगा। आने वाला अगला चुनाव में इसको जड़ से साफ कर देंगे हम, क्योंकि भारत में पूरा गंदा तरीका से राजनीति कर रहा है। जो OBC ST ST को खिलाफ इतना मानसिकता खराब कर दिया है कि मनुष्य नीति लागू करने का सोच लिया है BJP। कानून बनाने का काम संसद का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट SC ST एक्ट में क्रिमिनलियर लगाकर दलितों को बांटने का काम कर रही है, जो दलितों को बिल्कुल पसंद नहीं है। और क्या मांग है? मांग है कि क्रिमिनलियर जो SC ST दलित में जो लगाया जा रहा है उसको खत्म किया जाए। जो क्रिमिनलियर लगाया गया है दलित में बांटने का, दलितों का, वो खत्म किया जाए। नहीं, सरकार बोल रही है, लेकिन सरकार सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए भेजा था, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनलियर का प्रस्ताव रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ में इस भारत बंद को आह्वान दिया गया है और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो पटना के डाक बंगला के पास से सामने आई है। वहां पर बेहद भारी मात्रा में जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद नजर आ रहे थे, बसपा पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद नजर आ रहे थे और प्रदर्शन के बीच पुलिस कर्मियों के बीच और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होती हुई भी नजर आ रही है। प्रदर्शनकारी बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये ताज़ा तस्वीरें डाक बंगला से सामने आई है जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर झड़प होती नजर आ रही थी। पुलिस जो है वो लगातार इस कोशिश में थी कि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जाए, बैरिकेटिंग तोड़ने से रोका जाए। जो प्रदर्शनकारी हैं वो पटना जंक्शन तक जाना चाहते हैं, लेकिन डाक बंगला पर बैरिकेटिंग लगाई गई थी और उस बैरिकेटिंग को किस तरीके से तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश हो रही थी वो आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज देश भर में भारत बंद का ये आह्वान किया गया है। कई पार्टियों द्वारा दलित समुदायों को जो समर्थन है वो दिया गया और आप तस्वीरों में देख सकते थे जो बसपा के कार्यकर्ता थे अपनी पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे हुए, सड़क जाम किया हुआ है, जगह जगह पर आगजनी की जा रही है और जो बैरिकेटिंग है वो किस तरीके से तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी वो भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। आज पूरे देश से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। प्रदर्शनकारी अब उग्र होते भी नजर आ रहे हैं क्योंकि जमकर आगजनी और बवाल करने के साथ साथ जो बैरिकेटिंग है वो भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बात अगर बिहार की करें, पटना की करें, तो बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की जो तस्वीरें हैं वो भी कई जगहों से सामने आ रही है। ये बवाल कितना बढ़ता है, आज देश भर में क्या कुछ होता है, प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प भी देखने को मिल रही है आगे और क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, क्या खबर सामने आती है, इससे भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।